Okay, good morning. Let us start the second unit, that is the network infrastructure and e-commerce. Now let us review some part, that is what is electronic commerce again. So electronic commerce, it is an emerging concept that describes the process of buying and selling or exchanging of products, services and information with the help of telecommunication and the computer network, including the internet. As we have discussed before, what is e-commerce? So e-commerce means when we want to purchase or sell something, or we can say that purchase and selling may be in the concept of exchange of two goods also. कि हम दो गुड्स को एक्सचेंज करें, लेकिन अब आज की डेट में नहीं होता है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में तो होता है, ठीक है, लेकिन अभी कस्टमर लेवल पे हम बात जो करते हैं वो करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी. सेकंड हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नीड्स अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसपोर्ट द कंटेंट डेटा, मतलब एक वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा है उसको मुझे ट्रांसफर करना है, ऑडियो को ट्रांसफर करना है, वीडियो को ट्रांसफर करना है, टेक्स्ट को ट्रांसफर करना है, एनिमेशंस को ट्रांसफर करना, मींस हमारे सर्वर पे जो ऑडियो है, टेक्स्ट है, वीडियो है, एनिमेशंस है, उन सबको एक कस्टमर के मोबाइल पे या कस्टमर के डेस्कटॉप या लैपटॉप पे मुझे ट्रांसफर करना है, मींस यू नीड अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट. एंड दिस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाई वॉट इज नोन एज हाईवे और इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे. एक हमने इसको एक कीवर्ड दे दिया है, हम इसको हाईवे या इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बोलते हैं, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी कवर्ड. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ ई कॉमर्स? अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स के एडवांटेज की बात करें या ई कॉमर्स से क्या बेनिफिट हो सकता है, तो इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब कैपेबिलिटीज की बात करें तो अपन देखें कि बिजनेस हमारा जो है या मार्केट जो है मेरा एक्सपांड हो गया है. मतलब अभी जो फॉर एग्जांपल अगर हम बिग बास्केट की बात करें, बिग बास्केट अगर मुंबई बेस्ड कंपनी है तो मुंबई अकेले में वो सामान को खरीद पा रही थी, बेच पा रही थी, लेकिन आज अगर हम भोपाल में भी बिग बास्केट से कोई सामान मंगाना चाहें तो यू कैन परचेज द प्रोडक्ट अमेजोन. बेंगलोर में उसका हब है, लेकिन अगर अपन चाहें भोपाल में, सागर में, दमोह में, छोटे से गाँव में भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है तो वो माल वो वहां पर डिलीवर करवा पा रहा है विद द हेल्प ऑफ कूरियर सर्विसेज. मीन्स उसका मार्केट क्या हो गया, एक्सपांड हो गया. अब वो केवल बेंगलोर बेस्ड नहीं बचा. अगर हम बेस्ट प्राइस की बात करें या डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट क्या है, एक शहर में वो लोकल मार्केट को कैप्चर कर रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब क्या कर रहे हैं, एक बड़े मार्केट को कैप्चर कर पा रहे हैं. सेकेंड द वाइडर कस्टमर बेस बड़ा है, हर छोटे छोटे गाँव में भी हमारी रीच है, प्रोडक्ट्स हम ज्यादा बेच पा रहे हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप हमारे बहुत क्लोज है, रियल टाइम एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है. अगर आपने देखा हो आज कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो माल कब डिलीवर हुआ उसका SMS आता है, फिर एक वो आपको लिंक देता है जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट किस समय कहाँ पर है, कहाँ से निकल गया है, कहाँ पहुँचने वाला है, कहाँ पहुँच जाएगा, आपको कब मिल जाएगा, तो रियल टाइम एक्सेस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन. फिर मास कस्टमाइजेशन, अपन के पास कुछ कुछ चीज़ों में कस्टमाइजेशन फीचर्स भी देते हैं वो कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर दीजिए, खासकर कंप्यूटर में या कोई ऐसे आइटम जहाँ पे आप कुछ सर्टेन चेंजेस करना चाहें, जैसे मोबाइल है 8 GB रैम वाला चाहिए कि 16 वाला चाहिए, 8/4/64 चाहिए कि 8/64 चाहिए कि 32/64 चाहिए, 32/128 चाहिए, मतलब आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो. इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा इंटरेक्टिव है, आपको बॉट्स मिल जाते हैं, आपको SMS फैसिलिटीज है, व्हाट्सएप चैट है जिसमें आप डायरेक्ट बात कर सकते हो फॉर दैट. इसके अलावा बात करें अगर हम तो कोलैबोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी कम हो गई है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई है हमारी, डिस इंटरमीडिएशन मतलब बीच का जो पर्सन था जिसके कारण मुझे जो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती थी या कॉस्ट प्राइस हमें महंगा मिलता है प्रोडक्ट, वो कम हो गई है. लेकिन आज की डेट में अगर देखो तो सब कहीं ना कहीं बराबर पहुँचते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अमेजोन और वो लोगों ने अपना कमाना शुरू कर दिया ना, वो उसी रेट पे दे रहे हैं जिस रेट पे आपको मार्केट में मिलता है कई बार. तो वो एक बिजनेस स्ट्रेटजी थी, पहले उन्होंने 25% 30% कम में आपको प्रोडक्ट दिया और अब धीरे धीरे 5 या 10% की मार्जिन पे ही कम दे रहे हैं.
तो रीचिंग कस्टमर डायरेक्टली, कस्टमर के पास डायरेक्ट आपकी रीच है. सो दीज आर द डिफरेंट फैसिलिटीज और दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस के ई कॉमर्स के कारण हम ब्रॉड कैसे हो गए हैं, या ई कॉमर्स का हमारी रीच कहाँ बढ़ गई है, या समथिंग एल्स. अब हम जो बात कर रहे थे कि ई कॉमर्स कुछ कैटेगरीज में या किस बिजनेस को हम ई कॉमर्स कहें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपन तीनों कैटेगरी के पार्ट जो अभी अपन पहले भी डिस्कस कर रहे थे. नंबर एक, चाहे कोई भी दुकान या बिजनेस हो, जो सीमेंट की दुकान, मतलब एक दुकान है, मतलब फिजिकल शॉप है, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स इफ ही इज इन्वॉल्विंग ऑल ट्रांजेक्शन वाया इंटरनेट. अगर वो सारा पेमेंट थ्रू इंटरनेट ले रहा है, बिलिंग इंटरनेट के थ्रू कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरनेट है, देन वी कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ अ ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स बिजनेस स्ट्रेटजी का पार्ट है वो. सेकेंड कंपनी जो वर्चुअल है, वर्चुअल मीन्स फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसी, उनकी एक वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट पे आप जा रहे हो, सामान को खरीद रहे हो, कार्ट में डालते हो, कार्ट से पेमेंट कर, कार्ट में बाहर प्रोसीड टू कार्ट या एग्जिट टू कार्ट करते हो, पेमेंट करते हो, 3 से 4 दिन बाद वो माल आपके डिलीवरी हो जाती है. पहली बात जो थी ब्रेक एंड मोटर, ब्रेक एंड मोटर मीन जैसे अपने भोपाल शहर में डीमार्ट है, बेस्ट प्राइस है, रिलायंस के स्टोर्स हैं, आप वहां जाते हो, प्रोडक्ट्स को खरीदते हो, अपनी एक ट्रॉली में डालते हो, काउंटर पे जाते हो, बिलिंग करवाते हो, पेमेंट करते हो, आउट हो जाते हो. वो सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है कि वो वेबसाइट, मतलब वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन, पूरी ऑनलाइन प्रोसेस को यूज कर रहे हैं. वो मिक्सअप है, हाइब्रिड है अगर देखा जाए तो, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ हाइब्रिड. और थर्ड वन जो है ब्रिक एंड क्लिक, बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल. आज की डेट में हम बात करें डीमार्ट है या रिलायंस है, वो इस कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं. रिलायंस का जो ऐप आया है, आई डोंट, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो रिलायंस के ऐप से क्या कर सकते हो आप, घर से माल ऑर्डर बुक कर दीजिए और वहां जाके ऑर्डर उठा लीजिए. इन द सेम फॉर्मेट बेस्ट प्राइस ने भी काम कर दिया. आप उनके ऐप को डाउनलोड करिए, आप प्रोडक्ट को खरीद लीजिए 3 घंटे 4 घंटे पहले, और जब आप वहां जाओगे तो वो ऑप्शन ऑप्शन उसी में पूछता है होम डिलीवरी चाहिए कि आप पिक करोगे. आप पिक ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, तो आप जैसे ही वहां पहुंचोगे, आपका बॉक्स, आपका प्रोडक्ट्स जो है वो आपको एक पैक आप उसमें मिलेंगे, आप पहुंचो, अपना पेमेंट करो, घर आ जाओ. आप चाहो तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो और खुद जाके पिक कर लो, आप पेमेंट कर दीजिए और वो उससे मंगवा लीजिए. सो बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों ऑप्शन है. तो पहला है फिजिकल, सेकंड इज द वर्चुअल, एंड नीचे अगर अपन आ गए तो हाइब्रिड की बात हो गई. फिजिकल एंड वर्चुअल बोथ है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज आईबे. सो द आईबे हैज इमर्ज्ड एज अ बेसिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड वॉइस डेटा एंड वीडियो सर्विस. अगर हम बात करें तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो ब्रिक एंड मोटर वाली मीन दुकान हो जहाँ से आपको सामान खरीदना है, चाहे वो वर्चुअल हो, और चाहे दोनों मिक्सअप हो, हाइब्रिड हो, उन सब जगह अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इंटरनेट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज जरूर हो रहा है फॉर बिलिंग के लिए, फॉर स्टॉक के लिए, फॉर परचेस के लिए, कहीं ना कहीं ऑल डेटा इज मेंटेन ऑन नेट. अब वो नेट दो प्रकार का हो सकता है, एक इंट्रानेट भी हो सकता है, एक इंटरनेट भी हो सकता है. इंट्रानेट मीन्स लोकल एक नेटवर्क बना होगा, या इंटरनेट मतलब जो ऑल अराउंड द ग्लोब हम उसको यूज कर रहे होंगे. सो बोथ ऑप्शन कैन बी डन हियर. एक तीसरा होता है एक्स्ट्रानेट, जो अभी अपन डिस्कस करते हैं. सो आईबे हैज चेंज द वे द बिजनेस एडवर्टाइजेस मार्केट और सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो कहीं ना कहीं आईबे has changed the concept, IBA has changed the logics for selling the product. कहीं ना कहीं एक नया फॉर्मेट आ गया है माल को खरीदने और बेचने का. थर्ड, a physical network and infrastructure of modern high speed links. और links means that everyone at home or office to everything else and practically it is identical to the internet. आज अगर हम बात करें तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी यू हैव टू नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चर. इन द सेम वे जब आप कोई ई कॉमर्स का सामान खरीदना चाह रहे हैं, यू नीड सम
प्लेटफॉर्म, यू नीड सम डिवाइसेस टू कनेक्ट विद ईच अदर, तो वो जो लिंक्स हैं दैट कैन बी इंटरनेट लिंक्स और दैट कैन बी सम अदर टाइप ऑफ लिंक्स जो हम बात हम कर रहे थे, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट, ताकि हम कुछ सामान को परचेज एंड सेल कर सकें. एवरीथिंग दैट इज एन आई वे. सो वॉट आर द डिफरेंट ई कॉमर्स इश्यूज और वॉट आर द डिफरेंट लिंक्स दैट कैन बी यूज फॉर द कम्युनिकेशन फॉर परचेज एंड सेल. सो देर आर थ्री टाइप. नंबर वन द इंटरनेट, सेकेंड इज द इंट्रानेट एंड थर्ड इज द एक्सट्रानेट. सो what is internet? Internet is a worldwide network of computers accessible to anyone who knows their IP address. Means आपके पास मोबाइल है, आज के डेट में यू आर हैविंग द इंटरनेट. कुछ लोग डेटा को इंटरनेट कहते हैं, आप आई टी के स्टूडेंट हैं. डू यू थिंक द डेटा इज द इंटरनेट? नो, नॉट एट ऑल. ठीक है, आपके मोबाइल का एक आई पी एड्रेस होता है, आप सिस्टम जहां लॉग इन करते हैं उसका एक आईपी एड्रेस होता है, और जब आप मल्टीपल कंप्यूटर से आपस में जब कनेक्ट होते हैं विद सम यूनिक आईडी, देन वी से इट्स अ इंटरनेट ऑल अराउंड द ग्लोब. ग्लोब की बात कर रहे हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. जब आप एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है, इंटरनेट मीन्स विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ बिल्डिंग, जब हम बात करेंगे. सो दिस इज अ नेटवर्क दैट इज नॉट अवेलेबल टू द वर्ल्ड outside of the intranet. If the internet network is connected to the intranet will reside behind the firewall, and if it allow access to from the internet will be an extranet. And the firewall helps to control access between the intranet and internet to permit access to the intranet only to the people who are members of the same company or organization. तो अभी जो बात अपन कर रहे थे कि अपन को मल्टीपल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी फॉर ई बिजनेस. तो जैसे आप डीमार्ट जाते हो या बेस्ट प्राइस जाते हो या फिर आप रिलायंस स्टोर जाते हो, तो आपने देखा है वहां पे 10 कंप्यूटर्स के थ्रू बिलिंग हो रही होती है, 10 काउंटर बने होते हैं, एग्जिट काउंटर. वो 10 कंप्यूटर जब आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. वो लोकल एक सर्वर अंदर कहीं बना होगा सर्वर रूम, उस सर्वर से वो जुड़े होंगे आपस में 10 कंप्यूटर. क्यों? वहां पे जब अपन सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं तो मुझे स्टॉक को भी मेंटेन करना होता है. मतलब वो साथ में बहुत सारे काम करता जा रहा है, साथ में सेल इनवाइस भी कट रही है, परचेज इनवाइस भी कट रही है, स्टॉक भी मेंटेन हो रहा है, टैक्स भी मेंटेन हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी जनरेट हो रहा है. मीन्स नंबर ऑफ टास्क आर इम्प्लीमेंटेड बिहाइंड इट. आपका एक सामान बाहर लाने के पीछे 10 काम पीछे कहीं सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, तो वो जो पीछे काम कर रहा होता है वो सर्वर पे कहीं डला हुआ है. वो सर्वर हो सकता है आपके हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस के सर्वर से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. व्हेन इंटरनेट एंड इंट्रानेट बोथ आर इन्वॉल्व, देन वी से इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सट्रानेट. अगर एक टोटल नेटवर्क इनसाइड अ ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनसाइड अ बिल्डिंग हो रहा है, then we say it's a part of an intranet. So intranet means एक सर्वर से कनेक्टेड है और वहां से पूरा का पूरा मेंटेन हो रहा है. क्यों? रोज के रेट्स चेंज होना है, रोज सब्जी आ गई है तो रोज सब्जी को इनपुट करना है, उसकी फीडिंग करनी है, वो लोकल सर्वर पे डला हुआ है. फिर जब उसको वो सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो वो इंटरनेट को जोड़ के कहीं मुंबई सर्वर या बेंगलोर सर्वर पे अपडेट कर दिया, देन इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेट और जुड़ गया उसमें. Then we say it's a part of an extranet. फिर extranet, तो basically an extranet is actually an intranet that is partially accessible by authorized outsider. मतलब जिनके पास बाहर है, मतलब बाहर means मुंबई भोपाल ऑफिस है, भोपाल बेस्ट प्राइस है, भोपाल बेस्ट प्राइस में 10 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, they are connected. लेकिन जब भोपाल का जो purchase officer है वो जो fruits खरीद के लाता होगा, सब्जी खरीद के लाता होगा, लोकल परचेज जब करता है, लोकल परचेज की वो एंट्री करता होगा, वो एंट्री किसको देखना है? द बॉस हु इज अबव ऑल. हो सकता है वो मुंबई में बैठा हो सकता है वो दिल्ली में बैठा हो सकता है वो बेंगलोर में बैठा हो. तो वो जो बैठा होगा वो क्या करेगा? एक्सेस करेगा. ही इज द ऑथराइज एक्सेस.
लॉग इन करेगा, उसको पता है यहाँ का लॉग इन आई डी पता होगा, उसको पासवर्ड पता होगा, लेकिन ही विल यूज द मीडियम दैट इज द इंटरनेट, और इंटरनेट के माध्यम से वो जुड़ा और उसने यहाँ पे चेक कर लिया कि टुडे क्या परचेज हुई है, क्या सेल हुआ, पेमेंट का मोड क्या था, कितना पेमेंट हुआ, कितना ड्यू हुआ, एनी एवरीथिंग ही विल चेक. देन बोथ द पार्ट इज इन्वॉल्व, इंट्रानेट एंड इंटरनेट, देन वी सी इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्सटरनेट. सो द एक्चुअल सर्वर, द कंप्यूटर दैट सर्व अप द वेब पेजेस विल रिसाइड बिहाइंड द फायरवॉल, एंड दिस फायरवॉल हेल्प्स टू कंट्रोल एक्सेस बिटवीन द इंट्रानेट एंड इंटरनेट, परमिटिंग एक्सेस टू द इंट्रानेट ओनली टू द पीपल हु आर सूटेबली ऑथराइज्ड. An extranet is a private network that uses internet protocol and the public telecommunication system to securely share part of the business information or operations with suppliers, vendors, partners, customers and other business. Means ek network hai jo network protocol ko use kar raha hai to communicate between the all stakeholders. Jo bhi stakeholders hai uske, they all may be the supplier, they may be the vendors, they may be the partners or the customers. और रीसेलर या जो आपको माल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सब सब एक नेटवर्क के थ्रू, एक प्रोटोकॉल के थ्रू जुड़े हुए हैं. एन एक्सटरनेट कैन बी व्यूड एज अ पार्ट ऑफ द कंपनीज इंटरनेट इंटरनेट दैट इज एक्सटेंडेड टू द यूजर्स आउटसाइड द कंपनी. वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो गया है, जो कुछ लिमिटेड यूजर्स आउटसाइड द कंपनी है, दे कैन ऑल्सो यूज. फॉर एग्जाम्पल चार्टर अकाउंटेंट, वो एक्सेस करना चाहता है कि वहाँ क्या चल रहा है, तो वो इसको देख सकता है. द सेम बेनिफिट्स दैट वेब टेक्नोलॉजीज हैव ब्रॉट टू द कॉर्पोरेट इंट्रानेट्स आर नाउ स्टार्टिंग टू एक्सेलरेट बिजनेस बिटवीन बिजनेसेस. तो ये जो फैसिलिटी थी, वो धीरे धीरे दो बिजनेसमैन या दो वेंडर्स के बीच में भी एक्सटेंड होती जा रही है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके. दिस एक्सट्रानेट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सचेंज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, शेयर प्रोडक्ट कैटलॉग्स, शेयर न्यूज with trading partners, collaborate with other companies on joint development efforts, jointly develop and share training programs with other companies, provide or access application between the companies, or much more. So ये extranet जो technique है या जो feature है, अब धीरे धीरे expand हो रही है. वो jointly हम बहुत सारी company आपस में merge करके, आपस में एक दूसरे से जुड़ के उसको different platform पर use कर सकती है. So it may sound like a technology for geeks only, but many people use the extranets every day without realizing it to track package goods, order products from their suppliers, or access customer assistance from other companies. जो आपके पास एक SMS आता है, जो आपके पास एक mail आता है, कि you can track the product by clicking on this link. जब आप उस link पे click करते हो ना, तो आप क्या होता है, internet के through उसकी server पे जुड़ जाते हैं. मतलब आप देखो, इंटरनेट आपके पास था, उसके सर्वर पे आप लॉग इन हो गए विद द हेल्प ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और फिर आप उसके इंटरनेट इंट्रानेट से जुड़ो, मतलब उसके जो लोकल सर्वर पे जो प्रोडक्ट का ट्रैकिंग हो रही थी, प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंच गया, उससे आप लिंक हो गए. मीन्स अगर देखें तो आज की डेट में यू आर ऑल्सो यूजिंग ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सटरनेट लाइक क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाई अमेजोन और फ्लिपकार्ट. मतलब आपको जो लिंक दे रहे हैं, उससे आप कहीं आप भी जुड़ जाते हो एक्सटरनेट. So an extranet is a mechanism based on internet and web technology for communicating both privately and selectively with your customers and business partners. So it is a mechanism jahan pe aap apne business partner ke sath kaam kar sakte ho. So what are the uses of extranet now? Mere khayal se apan jo extranet ko padha to apan ko use bhi samajh mein aa gaye. Number 1, when done correctly, extranets provide safe way to allow transactional business to business activities and can save your company some serious time and money. क्योंकि secured है, अपन user ID, password आपस में डाल रहे हैं, तो अपन देखें तो business to business activities हमारी बढ़ सकती है और company का time और money हम दोनों save कर सकते हैं. दूसरा, अभी अपन ने जो पहले कही थी ना कि मुझे server लेना पड़ेगा, server पे space लेनी पड़ेगी और आपको कहीं ग्लोब क्लाउड पे डालना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे अगर देखें तो वी कैन मेंटेन अवर ओन सर्वर्स इन अवर कॉर्पोरेट ऑफिस, और उस सर्वर के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं. अगर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यूजेस एक्स्ट्रानेट टू कट डाउन ऑन इट्स रिडंडेंट ऑर्डरिंग प्रोसेस
and keep suppliers up to date on parts and design changes, allowing quicker response to suppliers, problems and questions. अगर automotive industries के साथ साथ मैं आपको बताऊँ ये oil industries भी है, sugar industries भी है, यहाँ पर भी इस extranet का use होता है, जो हमने आपको discuss किया था कि Procter & Gamble है, Godrej है, ये लोग भी क्या करते हैं, उनका personal server के through billing करते हैं, उससे वो track कर लेते हैं कि नीचे जो डीलर बैठा हुआ है या रीसेलर बैठा हुआ है उसके पास कितना माल अभी स्टॉक में रखा हुआ है। अगर प्राइसेस में ऊपर नीचे रेट्स आते हैं, अगर प्राइसेस बढ़ती हैं, तो वो पूरा का पूरा फायदा कौन उठा लेता है? द जायंट्स, द बिग कंपनीज उठा लेती हैं। तो सप्लायर कैन ऑल्सो रिसीव प्रपोजल, सबमिट बिड्स, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स, इवन कलेक्ट पेमेंट थ्रू एन एक्स्ट्रा नेट साइट। अगर हमने जो बात करें तो एक एमपी ईजीएम पोर्टल भी है, वो भी कहीं ना कहीं इस एक्स्ट्रा नेट का पार्ट बन जाता है, क्योंकि वहां से आप टेंडर उठा रहे हो, सप्लायर्स की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेट्रा। सो एन एक्सट्रानेट कैन रिस्ट्रिक्ट, हैज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, सो इट मे बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू ईच पार्टी इंटरनल सिस्टम। तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो पार्टी टू पार्टी हम कनेक्ट हो सकते हैं। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नाउ एक्सट्रानेट? सो द बेनिफिट्स ऑफ एक्सट्रानेट सच एज रिड्यूस टाइम टू द मार्केट एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फास्टर एक्सेस टू द पार्टनर इंफॉर्मेशन may be over outweighed by the cost, security, web servers and development, legacy system integration and ongoing support and maintenance. अभी हमने आपसे बात कर रहे थे कि अगर अपन एक्सटरनेट का यूज कर रहे हैं तो वी कैन डेवलप आवर ओन सर्वर्स। जब हम अपने सर्वर्स को, खुद के सर्वर्स को डेवलप कर रहे हैं, तो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है, उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है, उसके लिए ongoing support system can be costly. Integration of a सॉफ्टवेयर, मतलब वो कुल मिला के द कॉस्ट विल बी इंक्रीज व्हेन यू आर मेंटेनिंग योर ओन सर्वर्स। सो एक्स्ट्रा नेट आल्सो रिक्वायर टाइम एंड एनर्जी मच मोर देन व्हाट इट टेक्स टू गेट एन इंटरनल नेट और वेबसाइट अप एंड रनिंग विच मे प्लेस इट एट द बॉटम ऑफ आईएस ग्रुप टू डू लिस्ट। तो अगर अपन एक सर्वर को डेवलप कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, और उससे अच्छा है कि हम एक छोटी सी वेबसाइट बना दें और वेबसाइट के खुद का डेटाबेस मैनेजमेंट पे हम काम करें, दैट विल बी द चीप एंड द फास्ट। क्यों? वो हमारा काम जल्दी और आसान करेगा। सो द कंक्लूजन इज दैट द मिक्स ऑफ ईच इज मोस्ट लाइकली। अगर हम देखें, हम तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं, कहीं इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, कहीं एक्सटरनेट भी यूज कर रहे हैं, कहीं इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं। और तो आज की डेट में हम चाहे डीमार्ट जाएं, चाहे बेस्ट प्राइस जाएं, चाहे रिलायंस स्टोर पे जाओ, चाहे फ्लिपकार्ट को यूज करो, चाहे अमेजोन को यूज करो, ऑल द ई कॉमर्स वेबसाइट और ऑल द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ मिक्स्ड प्लेटफॉर्म। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।